बीजेपी को पांचों सांसद राज्य की पैरवी के लिए दिल्ली दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। खुद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात का ऐलान किया है, मगर सवाल यह है कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान सिर्फ दिल्ली दौड़ लगाने से ही हो जाएगा। आंदोलन की आग में तपकर बने उत्तराखंड में अजीबोगरीब हालात हैं। जब भी यहां विकास का जिक्र होता, बात दिल्ली दौड़ की शुरू हो जाती, क्योंकि जब जब केंद्र में कांग्रेस सरकार रही तो राज्य में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी रही। राज्य में कांग्रेस यानी कि राज्य का विकास हमेशा सियासत के सलीब पर टांग दिया गया। ऐसे में अब जब कांग्रेस सरकार केंद्र की मोदी सरकार को कोस रही है तो बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है, बीजेपी के सांसद दिल्ली दर्शन को तैयार है। लोगों को भ्रमित करती है, इसके सिवाय इसको इसका कोई काम नहीं है। लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यदि इस राज्य के हित में कोई भी काम होगा हम अपनी गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे। तो यदि उस दिशा में ये मुख्यमंत्री हमारे किसी भी सहयोग की जरूरत है तो हम तो तैयार हैं। बात बीजेपी सांसदों के दिल्ली दौड़ की है, लिहाजा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी विपक्ष पर जमकर चुटकी ले रहे हैं। राज्य की जनता ने पांच सांसद छप्पर फाड़ कर समर्थन जोरदार ढंग से दिल्ली पैरवी के लिए भेजा है, और यदि वो अपने को कमजोर समझते हैं दिल्ली में हमारी पैरवी करने को तो हम तो उनके साथ खड़े। सूबे में विकास के पहिए की चाल क्या है, यहाँ की बदरंग तस्वीर वो दिखा रही, मगर इस हकीकत पर पर्दा डालने के लिए नेताओं का बार बार दिल्ली दौड़ लगाना अब शायद लोगों को भी समझ आने लगा है, क्योंकि लोगों को कुछ वक्त तक बरगलाया तो जा सकता मगर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पहले जब उत्तराखंड में सभी एमपी कांग्रेस के हुआ करते तो दिल्ली परेड की बात हुआ करती, और अब बीजेपी के पांचों एमपी है तो वो भी दिल्ली परेड की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड की समस्याएं फकत दिल्ली दर्शन से पूरी हो जाएंगी? जो भी हो, लोगों की समस्याओं के नाम पर फकत राजनीति हो रही है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र के रेल बजट को निराशाजनक बताया है। सीएम ने कहा कि मुझे सुरेश प्रभु से पूरी उम्मीद थी कि वो सदानंद गौड़ा की तरह राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे और उत्तराखंड की उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही किया, जिससे पहली बार मुझे बड़ा धक्का लगा है। सीएम ने कहा कि हम आगे भी रेल की मांगों को उठाते रहेंगे। मुझे उम्मीद थी कि सुरेश प्रभु जी जो हैं गौड़ा जी से बेहतर साबित होंगे। यदि उन्होंने निराश किया है तो मुझे वास्तव में पहली बार धक्का लगा है, क्योंकि पिछली बार वालों से आशा नहीं थी। मुझे लगता था कि वो राजनीतिक कारण से निर्णय कर रहे हैं, लेकिन सुरेश प्रभु एक टेक्निकोरेट तरीके के व्यक्ति हैं तो उनसे मुझे उम्मीद थी। मैं देखूंगा क्या है। रेल बजट में सीधे तौर पर भले ही उत्तराखंड को कुछ न मिला हो, लेकिन बीजेपी ने सुरेश प्रभु के रेल बजट की तारीफ की है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान का कहना है कि रेल मंत्री ने यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं डाला है। इसके अलावा पहली बार किसी रेल मंत्री ने साफ सफाई को तवज्जो देते हुए अलग विभाग बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बीजेपी के मुताबिक रेल मंत्री ने नई ट्रेन की घोषणा करने की बजाय यात्रियों की सुविधाओं और ट्रेन की गति बढ़ाने पर जोर दिया है। एक तो आम आदमी को रिलीफ मिला है, रेल किराए में कोई बढ़ोतरी ना होना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना और सुरक्षा के पहलू और साफ सफाई पर अलग सा रेल मंत्रालय के अंदर ही एक अलग डिपार्टमेंट का बनाना, तो हम उम्मीद यही कर रहे थे। आगे धीरे धीरे और भी अच्छे काम होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में रेल पेश किया, ऐसे में रेल मंत्री के पिटारे से जो भी निकला उसे जनता किस नजरिए से देख रही है, ये जाना हमारे देहरादून संवाददाता सौरभ भाटिया ने। मुझे लगता है उत्तराखंड के लोगों को सड़क पर आकर इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उन तमाम जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनके घरों में प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आपकी सरकार है, आपने वादे किए थे और अब आपने वादे पूरे नहीं किए। और अभी जो पता चला है कि टाटा बिरला, ये सरकारी टाटा बिरला की है, अदानी की है, हम पहले से कह रहे हैं ये सरकार अडानी और बिरला चला रहे हैं। हर साल तो हम लोग जो होते हैं कि कुछ ना कुछ आएगा हम लोग के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं आता है। हर साल केवल ये होता है कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं होता है कि हम लोग
अपना जैसे काम चलाए हैं। रेल किराया ना बढ़ाना तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी डीजल सस्ता मिल रहा है, तो रेल किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, पर सुविधाएं तो बढ़नी चाहिए। देखो, रेल का किराया ना बढ़ा जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेल की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ करना पड़ेगा। देहरादून को हमेशा जो है, चाहे सरकार किसी की हो, इसकी अनदेखी की गई है, और हम इसके लिए चाहे सेंटर में बैठी कोई भी सरकार हो उसका विरोध करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल बजट से हरिद्वार के लोगों में मायूसी है। हरिद्वार के लोगों ने रेल बजट को निराशाजनक बताया है। लोगों का कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, यहां पर साल भर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी कोई नई ट्रेन की शुरुआत नहीं की गई। रेल बजट से निराशा दिखाई देती है, एक भी ट्रेन यहाँ पर नहीं मिली है, जिससे यात्रियों को निराशा दिखाई दे रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बहुत ही अच्छा है, हम गर्ल्स के लिए, हम लेडीज के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत अच्छा है, बहुत जरूरत है हम लोग को उसकी, और हमारी सुरक्षा के लिए जो भी चोरी हो रही है, जो भी रेप वगैरह हो रहा है, इन सब के लिए काफी अच्छा है हम लोग को। बहुत तरह के बाहरी वेंडर घुसते हैं, उसमें गुंडागर्दी भी होती है, तो लिहाज से बहुत अच्छा है। केदारनाथ दोबारा सैलानियों की चहलकदमी से गुलजार हो जाए, इसके लिए राज्य सरकार जुटी हुई है। खुद सीएम हरीश रावत पर्यटकों को ये संदेश दे रहे हैं कि सूबा अब महफूज है। ऐसे में उम्मीद रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। अब इसे सियासी तकाजा कहें या कुछ और, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने मिशन केदारनाथ में शिद्दत से जुटी हुई है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के लिए खुद सीएम फ्रंट फुट पर है। शायद इसकी एक बड़ी वजह चुनाव भी है, क्योंकि सीएम समझते हैं कि जज्बातों की सियासत कितना रंग लाती है। ऐसे में सीएम मुंबई में रोड शो में भी शामिल हुए और लोगों को केदारनाथ आने का न्योता दिया। वहीं केदारनाथ में भवनों के ध्वस्तीकरण का काम भी चल रहा है, और अब 28 फरवरी को अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा केदारनाथ जाएंगे और पंडा पुरोहितों को अंतिम ऑफर देंगे, जिसके बाद मार्च से वहां पर प्राइवेट भवनों के ध्वस्तीकरण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पंडा समाज ने अपना एक प्रपोजल दिया है, जिसको हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। 28 तारीख को हम दोबारा जाएंगे केदारनाथ, और जाकर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनको फाइनल पैकेज एक ऑफर कर दिया जाए। प्राइवेट भवन है, उनमें लगभग 60-70% लोगों ने हमको अपनी सहमति दी है। टूर ट्रेवल्स एजेंट्स जो हैं, वो एक माध्यम है। मैंने कहा उनको आप पूरा केदारनाथ एरिया भी दिखाइए और दूसरे एरियाज भी दिखाइए, ताकि वो एश्योर कर सके आगंतुकों को कि आप आइए। वही सरकार के इस कदम से संगठन भी गदगद है। प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के अनुसार मुख्यमंत्री हरीश रावत आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे जल्द सामने आएंगे। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि निमंत्रण से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि वो इतना अच्छा काम वहां पर कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बहुत उसमें रुचि भी ले रहे हैं, वो हर बार पूछते हैं कि वहाँ कितना काम हुआ। मात्र केदारनाथ के सीन दिखा के वहाँ पर लोगों को ये बता के हम दिन रात काम कर रहे हैं, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। आप काम नीचे से ऊपर जाने की सड़कें क्लीन दीजिए। कुल मिलाकर सरकार मिशन केदारनाथ में जुटी हुई है, इस उम्मीद के साथ कि केदारनाथ का धाम एक बार फिर रोशनी से भी आबाद होगा और ये मिशन उनकी 2017 की सियासी नौका को भी पार लगा देगा। सोनिया व राहुल के खास निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का फोकस केदारनाथ पर साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा खुद कर रहे हैं, वहीं इसके अलावा भी जो पर्यटकों को आमंत्रित करने का काम है, वो भी मुख्यमंत्री राज्य राज्य घूमकर करने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। ऋषिकेश के नगर पालिका सभागार के में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागों को यात्रा से पहले तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सड़कों की है, सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी अधिकारियों को व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी को एक साथ सूचना दी जा सके और
यात्रियों की सुरक्षा जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि यात्रा तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को पैसा दिया गया है ताकि निर्माण कार्य जल्दी हो सके। इस मौके पर बैठक में शामिल हुए आईजी गढ़वाल संजय गुंज्याल ने कहा कि केदारनाथ के नए ट्रैक रूट पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की जाएगी ताकि सभी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके। इस बार जो हमारे चार धाम के कपाट खुलेंगे उसके संबंध में सारे विभागों की यहाँ बैठक की गई है, तो मेनली जो समस्या हमारी सड़क की है, तो हमने ये जोर दिया है कि 15 अप्रैल तक हमारी जो सड़क है इसके से लेकर बद्रीनाथ जी तक, इसके से लेकर केदारनाथ जी तक और गंगोत्री यमुनोत्री, ये सड़कें हमारी जो है दुरुस्त हो जाए। विशेषकर केदारनाथ में जो नया ट्रैक रूट बना हुआ है उस पर एसडीआरएफ को ड्यूटी पे लगाया जाएगा। उसके अलावा लगभग 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर कि काफी सारे एक्सीडेंट हुए और लगातार एक्सीडेंट बढ़ते रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करके उनको दूर करने के लिहाज से उसमें कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल में हाईकोर्ट के निर्देशों की बेंडिंग पॉइंट पर डीजे संचालक धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से वेडिंग पॉइंट संचालकों के ना तो सीसीटीवी कैमरे ही लगाए हैं और ना ही डीजे संचालक तहसील प्रशासन से डीजे संचालन की परमिशन ही ले रहे हैं। हद तो ये हो गई कि छात्रों की परीक्षाएं होने के बावजूद भी देर रात तक डीजे बज रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत छात्र पुलिस से करते हैं, तब जाकर पुलिस डीजे को बंद करवाती है। जबकि हाईकोर्ट ने वेडिंग प्लांट संचालकों को सख्त निर्देश दिए थे कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके, तो वहीं डीजे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि लेकिन श्रीनगर में हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश बहुत पहले जारी हो चुके थे और कुछ स्थानों पर लगे हैं, लेकिन ये है कि लोग हटा भी दे रहे हैं, क्योंकि जो आपने बताया कि नहीं लगाए गए हैं या जिन्होंने हटा दिए हैं उनको दोबारा हम चेक करेंगे। ऐसे जो पॉइंट है, वेडिंग पॉइंट है जहाँ पे लगना चाहिए था, वो दोबारा उनसे लगवाएंगे हम। पिछले कई सालों से सुर्खियों में विवादित रहे सचिन के बिजनेस पार्टनर के आशियाने पर खतरा मंडराने लगा है। सचिन के बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के डालिया बैंक भवन को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण करार दे दिया है। मसूरी आए साइबेरिया कमांडर एस सबरवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भवन को अवैध निर्माण करार दे दिया है। दरअसल संजय नारंग ने अपने भवन को गिराकर दोबारा भव्य और बड़ी इमारत का निर्माण कराया था, जो प्रौद्योगिक प्रबंधन संस्थान के बिल्कुल बगल में सटा हुआ है। आम आदमी हूँ मानू, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको बिल्डिंग को ही ढा दिया, जबकि कागजों में इन्होंने अप्रूवल जब मांगा भी था वो यही था कि अंदर से स्ट्रक्चर के अंदर कमजोर है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। वो तो करिए, किसने मना किया है, लेकिन आप पूरी की पूरी बिल्डिंग ढा के एक कहते हैं 5 स्टार बनाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। उसी करके सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि ये आपने जो भी किया है वो गलत किया है। 1 माह से शुरू होने वाली पुलिस रैंकर्स परीक्षा को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन परीक्षा के परिणामों पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई पुलिसकर्मी लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और पढ़ाई में लगे हैं, ऐसे में परीक्षा पर रोक लगाना सही नहीं है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर की थी कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना किसी ठोस नियमावली के रैंकर्स परीक्षा कराने जा रही है, ऐसे में परीक्षा पर रोक लगनी चाहिए। जबकि राज्य सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि जो पुलिसकर्मी 45 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें पदोन्नति दी जाएगी या नहीं। साथ ही सिविल पुलिस के साथ पीएससी, आईआरबी, इंटेलिजेंस समेत दूसरी फोर्स के पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि गलत है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये अंतरिम आदेश पारित किया है कि जो 1 मार्च से जो लिखित परीक्षा होगी 1 मार्च को वो हो, लेकिन उसका परिणाम कोर्ट के अगले आदेश तक घोषित नहीं किया जाएगा। और सभी परीक्षार्थियों के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि विभाग ये पूर्व में ही सूचित कर देगा कि आप लोगों के परीक्षा में बैठना और उसका निर्णय कोर्ट में लंबित रिट याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। तो अब इसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
खटीमा वन प्रभाग के इंडो नेपाल सीमा से लगे जंगलों में व्यस्क टाइगर की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन महकमे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन महकमे को सड़ी गली हालत में बाघ का शव मिला। खटीमा वन रेंज के नखाताल वन क्षेत्र में कंपार्टमेंट नंबर 2 में बाघ की मौत की सूचना मिलने से वन महकमे में हड़कंप मच गया। वन महकमे ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही बाघ की मौत को स्वाभाविक बताया है। जिस परिस्थिति में ये मतलब टाइगर की बॉडी यहाँ मिली है, ये लगभग एक वयस्क नर का एक टाइगर है। ये शिकार का इसलिए हो सकता है क्योंकि शिकार में एक तो आपको हड्डियाँ भी लोग शिकारी ले जाते हैं, खाल भी ले जाते हैं, नाखून भी ले जाते हैं, दांत भी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये सभी यहाँ मौजूद है। और देहरादून में एक बार फिर समाचार पत्र की खबर पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार प्रदेश में जल्द ही नई खनन नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की नदियों में खनन का कार्य कैसे पारदर्शिता के साथ कराया जाए, इस पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इस पर जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आगामी 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में खनन नीति के नए प्रस्ताव को सरकार पास करवा देगी। साथ ही खनन नीति में लॉटरी सिस्टम को भी सरकार लागू कर सकती है। इसके अलावा अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की इस खनन नीति में विशेष प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। जितना एरिया नदियों का माइनिंग के लिए उपलब्ध है, नदी के हित में, लोकल लोगों के हित में, जमीन के हित में और कुल मिलाकर के राज्य के राजस्व के हित में उसका उपयोग करें और उनमें से जितना वन निगम कर सकता है वो काम वन निगम करें और शेष के लिए हम दूसरे तरीके निकालें। और उसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो एक पृथक से इसके लिए पॉलिसी पेपर तैयार करें। बैंकों में समस्या सुझावों को लेकर जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने अल्मोड़ा के तमाम बैंकों की बैठक ली। इस मौके पर जिलाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की, साथ ही योजनाओं के तहत बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिले के सभी बैंकों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देते हुए सीसीटीवी समेत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए और कहा कि बैंकों को सुरक्षा के मद्देनजर प्राथमिकता के आधार पर असलाह का लाइसेंस जारी किया जाएगा। बैंकर्स के साथ मीटिंग लिया है हम लोगों ने और उसमें हम बैंकों से बातचीत करके जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जिनमें हमें बैंकों का सहयोग चाहिए होता है, उन कार्यों को कैसे गति दिया जाए, कौन कौन से कार्य पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग हैं और किस तरह से पेंडेंसी को दूर किया जाए और योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बैठक किए हैं। पिथौरागढ़ जिले के माइग्रेशन वाले इलाकों में खाद्यान्न पहुंचाने की कवायद तेज की गई है। खाद्य विभाग का कहना है कि माइग्रेशन से पूर्व ऊंचाई वाले इलाकों में राशन पहुंचा दिया जाएगा। रास्तों से बर्फ हटाने के साथ ही खाद्यान्न पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। विभाग की प्राथमिकता में माइग्रेशन वाले इलाकों में समय पर राशन पहुंचाना है। आपको बता दें कि उच्च हिमालय इलाकों में माइग्रेशन पर जाने वाले लोग सर्दियां खत्म होने के साथ ही उच्च हिमालय इलाकों का रुख करते हहैं, जिनके लिए प्रशासन को माइग्रेशन से पहले 3 दर्जन से अधिक गांव में राशन पहुंचाना होता है। तो प्रशासन इन दिनों राशन पहुंचा रहा है इन इलाकों में। माइग्रेशन से पहले ही इन गांवों में राशन पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि ऊंचे इलाकों में जो राशन पहुंचाना पहली प्राथमिकता है और सर्दियां खत्म होते हिमालय इलाकों का रुख ये माइग्रेशन लोग करते हैं और अब प्रशासन ने इलाकों में राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो माइग्रेशन वाले इलाकों में राशन पहुंचाना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि जब सर्दियां खत्म होती है तो हिमालय इलाकों का ये लोग रुख करते हैं और प्रशासन इन्हीं इलाकों में पहले ही राशन पहुंचा देगा। तो जो अप्रैल मई के बाद जो माइग्रेशन वाले जो क्षेत्र वाले जो जाएंगे ऊपर बुरफो गुंजी और दुख्तो वाले जो क्षेत्र में जो जाएंगे तो उनके लिए हम अलग से जो है खाद्यान्न 6 महीने के लिए डंप करवाते हैं वहाँ पर को। उसको हम जो है अप्रैल मई में जब रास्ता खुल जाएगा हमारा जो बर्फ हमारी हट जाएगी रास्ते से तो रास्ता खुलते ही जो है वहाँ पर खाद्यान्न का भंडारण करवाना शुरू करवा देंगे। और
चमोली के कर्णप्रयाग महाविद्यालय के 35वें छात्र संघ वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मटूरी और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी मौजूद रहे। जब महाविद्यालय वार्षिकोत्सव में छात्रों ने विधायकों के सम्मान कॉलेज की समस्याएं रखी, वहीं छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समारोह को चार चांद लगा दिए। वहीं बद्रीनाथ विधायक का कहना है कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी है। विधानसभा उपाध्यक्ष मटूरी ने भी छात्रों को उम्मीद दिलाई है कि वे विद्यालयों की समस्याओं का जरूर समाधान करें। हमारे विशिष्ट अतिथि तालियां बजाकर उत्साह वर्धन करें और माननीय धन्यवाद। चंपावत जिले में फागुन महीने की मस्ती के नजदीक आते ही खड़ी होली गायन की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। होली के लिए ढोल और मंजीरों को ठीक करने का कार्य चल रहा है। चंपावत जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों को काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है और यहां गाई जाने वाली खड़ी होली अपनी विशिष्टताओं के चलते काफी लोकप्रिय है। खड़ी होली गायन में ढोल और मंजीरों का महत्वपूर्ण योगदान है। ढोल पर पंडे वाली थाप और मंजीरों की धुन के बीच होलियारों की ओर से जब कदम से कदम मिलाकर होली का गायन किया जाता है तो यह दृश्य देखते ही बनता है।